मालिक से दुआ है कि इसी तरह से ये अज़ा व विला का सिलसिला जारी सारी रहे और जो जो दिन करीब आ रहे हैं यहाँ में अज़ा के यकीनन वो वक्त करीब है कि जब सुबह से लेकर शाम तक हर घर में हुसैन की उजड़ी हुई माँ अपने लाल हुसैन का पुरसा लेने के लिए आएगी। वो करीब है कि जब घर घर फर्श अज़ा बिछा होगा, वो दिन करीब है कि जब माएँ गोदों में अपने बच्चों को लेकर मजलिस हुसैन में जाएंगी, बाप उंगली पकड़कर बच्चों को मजलिस हुसैन में लेकर आएगा। हाँ, एक आवाज़ जिसकी कमी यकीनन वो पूरी नहीं हो सकती कि जब मुहर्रम हमने जब से होश संभाला कम से कम तो मेंबर पर तालिब जौहरी साहब की आवाज़ सुनी थी, अब तो बस वो वीडियो की सूरत में ही महफूज होकर रह गई। सरमाया मिल्लत जाफरिया थे बल्कि सरमाया मिल्लत इस्लामिया थे, हर मसलक का मुसलमान उनको सुना करता था और उनकी ताज़ीम किया करता था। भारत गम हम सबका बहुत छोटा लगता है कि जब हुसैन का गम सामने होता है, कहाँ से गम को भुलाने का हौसला आता अगर हुसैन तेरा गम ना सामने होता। तो आइए अपने गम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम के सामने रखते हैं तो फिर अपना गम भूल कर हुसैन का गम मनाते हैं और यही मकसद अज़ादारी है, यही इस मजलिस का भी मकसद है। हाँ, घोड़े से जा जमीन पर आए शहे जमन देखा के बन में फातिमा जहरा है मौजज़े हर बालों से झाड़ती हैं जमी कत्लगाह की शबीह पयंबर की लाश को टुकड़े पड़े हैं कासिम मुज़्तर के देख लो, असगर की कब्र दश्त बयाबा में देख लो, ज़ैनब के लाडलों को भी बन में सुला दिया। अपने खून से मैंने बसा दिया, जो कर सका न कोई वो करके दिखा दिया, लाशों से मैंने दश्त बयाबा सजा दिया, बचपन में वो जो वादा किया था निभा दिया। और मैं कहूंगा इस मजलिस से हुसैन के जरिए जो मजलिस से तरहीम तालिब जौहरी साहब के साले सवाब के लिए रखी गई और मरहूमीन के साले सवाब के लिए रखी गई है, मैं कहता रहा कि खुशनसीब है तालिब जौहरी साहब कि वो इस दुनिया से गए तो उनके जवान बेटों ने उनको कांधा दिया। हाय कितना गरीब है हुसैन, हाय घोड़े से जब जमीन पे आया जमा पिसे मैं बन में आया ठोकरे खाता बचश्मे थे, अरे बरछी का फल जो खेचा तो टुकड़े हुआ जी गए, अकबर के गम ने जीत जिला शाह बना दिया। अपने पिसर के खून से वजू कर चुका हुसैन, ला
लाशों से सारी कर्बो बला भर चुका हुसैन। अरे सुबहों से कितनी बार यहाँ मर चुका हुसैन, आगोश में सुलाल गमों ने थका दिया। हराब दी लिखे फरहान क्या पढ़े, है किसमें इतनी ताब के मक्तल बयां करे। आवाज अभी आती है दश्ते किताल से, इस करबला को अर्श मौला बना दिया। मातम हुसैन और इस नियत के साथ भी मातम हुसैन करना के मौला जो सीने पर तेरी अज़ादारी का मातम हो रहा है, तेरा मातम हो रहा है, हर मातम के सदके जल्द अज जल्द अज़ादारी की राहों को दोबारा से खोल दे या हुसैन।